तो जून में बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, मैंने आपको बताया था बहुत सारे पहले वीडियोस में भी मैंने बताया था। तो जून में आ रहा है डिज्नी राइज, डिज्नी का ऑफिशियल टर्मिनल आ गया भाई। लिटरली उन्होंने ट्रू बेस्ड इवेंट मतलब और बहुत सारे इवेंट को स्ट्रीम करेंगे इस बार डिज्नी राइज। एक पूरा एक कंटेंट बेसिस, एक फुल कंटेंट मेकिंग, एक लिटरली न्यू थिंग एक्सपीरियंस करने वाले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। देखिए इंडिया डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, डिज्नी प्लस है हर जगह। तो बेसिकली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे न्यू थिंग जहाँ पे उन्होंने बताया कि ट्रू बेस्ट इवेंट की स्टोरी होगी, फ्रिक्शनल कैरेक्टर होगा, मेन कैरेक्टर होगा, चेंजेबल कैरेक्टर होगा, बहुत सारे वर्सेटाइल कैरेक्टर होने के बाद एक टू द पॉइंट हिट करता हुआ कॉन्टेंट। मतलब अच्छा लगता है, मतलब इस तरह का अच्छा लगता है कि जी हाँ मैं ही हूँ खलनायक वाला फीलिंग जब आता है ना, तो डिज्नी प्लस आगे नहीं कर सकता। बिकॉज डिज्नी प्लस के पास जो है ना वो सारे OTT के पास नहीं, तो डिज्नी प्लस अपने पावर को छुपा रहा है। आप देखिए कुछ बार वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने मेरा जो बहुत सारे ट्रेलर भी वीडियोस आता है जहाँ पे मैंने डिज्नी के बारे में बात किया है, तो एक अलग लेवल का डिज्नी का बात है। तो ज्यादा डिज्नी राइज करके लेके आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब इस तरह का कॉन्टेंट जब मैंने देखा कि हाँ भाई दिस दैट्स कैट गेट इमोशन ऑफ एवरी कॉन्टेंट एंड मैचेबल कॉन्टेंट, तो उस तरह डिज्नी राइज एक इवेंट कॉन्सेंट हो रहा है जो कमिंग सून आने वाला है। और उसमें पहला जो स्टोरी बेसिकली दिखाया जाएगा ना डॉक्यूमेंट्री ट्रू बेस्ट इवेंट का स्टोरी दिखाया जाएगा, जहाँ पे तीन भाइयों की कहानी, तीनों NBA टाइटल जीते हुए मतलब बास्केटबॉल के ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर जब हिट द मार्केट ना, तो वह इंजॉय द मार्केट, और इफ इंजॉय द हिटिंग मार्केट सो द ग्रेट ऑसम था फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको डिज्नी राइज के ट्रेलर, कमेंट करके जो बताइएगा, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई।